तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं सिक्स कॉमन वेट लॉस मिस्टेक्स की जो हम अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं और उससे होता ये है कि या तो हमारा वेट लॉस नहीं होता है और अगर हो भी जाता है किसी शॉर्टकट से तो वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाता है और अपने साथ लेके आता है बहुत सारी बीमारियां सो हाय गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज़ नलोफर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फैट टू फैबलेस होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज बात करने वाले हैं सिक्स वेट लॉस मिस्टेक्स की तो क्या है ये मिस्टेक्स और हम इसे क्यों करते हैं और कैसे ये हमें इफेक्ट करती है हमारे वेट लॉस में आगे जानते हैं तो, तो फ्रेंड्स बात करते हैं मिस्टेक नंबर वन की दैट इज़ कि हम ओबेसिटी को बहुत ही लाइटली लेते हैं टेकिंग इट लाइटली जब हमारा वेट बढ़ना स्टार्ट होता है उसके बाद हमें धीरे धीरे लगता है कि हम गेन कर रहे हैं हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते उसे बहुत ही लाइटली लेते हैं और ये चीज़ बहुत गलत है क्योंकि ओबेसिटी जो होती है वो एक बीमारी है साथ ही साथ वो बहुत सारी बीमारियों का घर है जैसे हम बोल सकते हैं कि जब आप ओबिसिटी का शिकार होते हो तो आप बहुत सारी और सारी बीमारियों को वेलकम करते हो तो लाइक डायबिटीज़ हो गई और उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं तो ओबिसिटी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल आप थोड़ा सा भी वेट ऑन करते हो लोग आपसे बोलते हैं कि आपने ऑन किया है तो आप हमेशा मजाक में बोलते हो कि हम खाते पीते घर के ये सब चीज़ें जो हैं वो ये दर्शाती हैं ये शो करती हैं कि आप अभी इसको बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रहे हमें किसी भी हाल में ओबेसिटी को लाइटली नहीं लेना है आज आप देख सकते हो कि हमारी सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे हैं जो ओबेसिटी का शिकार हैं जो जंक फूड खाते हैं बहुत सारी चीज़ें मींस आजकल क्या है कि पहले हमें खाने को भी बहुत लिमिटेड चीज़ें थी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं पैक्ड फूड है साथ ही साथ हम बाहर का ज़्यादा खाने लगे हैं मेहनत कम करते हैं खाते ज़्यादा हैं तो उससे क्या होता है छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना वो भी ओबेसिटी का शिकार हैं और बहुत ही कम एज पर उनके साथ क्या होता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं जिसे डायबिटीज बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं साथ ही साथ लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है तो डोंट टेक इट लाइटली स्टार्टिंग से अगर आपके घर में कोई बच्चा है या कोई यंगस्टर है जो अपना वेट ऑन कर रहा है तो उसको लाइटली ना ले और उसको इंकरेज करें कि वो अपना वेट लूज़ करें और कैसे करना है किस वे से करना है बिल्कुल राइट पाथ है वो उसको आप सजेस्ट करो उसे बताओ और अगर आप भी उसी फेस पे हैं तो बिल्कुल भी लाइटली मत लो कि हम मैरिड हैं या हमारा तो अभी बेबी हो गया है तो ये तो होना ही था वेट तो बढ़ना ही था क्योंकि लेडीज़ ऐसा हमेशा कहती हैं कि हमने एक बेबी को बर्थ दिया है तो हमारा वेट बढ़ना ऑब्वियस है तो आ जाते हैं अपनी मिस्टेक नंबर टू पे दैट तो तो इज़ तो फ़ास्ट वेट लॉस या ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि सब लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वेट लॉस हो जाए इसके लिए बहुत सारी डाइट्स फॉलो करते हैं साथ ही साथ बहुत ही शॉर्ट कट्स लेते हैं हमें लगता है कि वेट लॉस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है चार दिन का खेल है और पाँचवें दिन हम अपना वेट जो है वो लूज़ लौ, कर लेंगे कुछ भी ड्रिंक पी लेंगे या फिर ज़बरदस्त सी एक्सरसाइज कर लेंगे या कोई ज़बरदस्त सी डाइट लेंगे और टेन डेज में हम अपना वेट लूज़ कर लेंगे आप कर सकते हो इस तरह से भी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो बट ये वेट जो आपका जाता है ये बहुत ही जल्दी वापस आता है साथ में बहुत सारी बीमारियाँ भी लेकर आता है तो फोकस ऑन मेकिंग योर बॉडी स्ट्रांग फिट एंड हेल्दी आप ऐसी डाइट लें ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे आपका जो ओबिसिटी है वो जाए आप ओवर वेट से एक फिट बॉडी में आओ आपका जो वेट है वो बिल्कुल हेल्दी वेट होना चाहिए साथ ही साथ आपको बैलेंस डाइट भी लेनी चाहिए तो आ जाते हैं मिस्टेक नंबर थ्री पे दैट इज़ फॉलोइंग फैट डाइट फैट डाइट मींस जो आजकल बहुत ही प्रचलन में है बहुत सारी डाइट्स हैं जो जैसे आप कह सकते हो एग डाइट है उसके साथ ओमिड है इंटरमीडिएट फास्टिंग है बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं जो यंगस्टर में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ट्रेंडिंग में है और सारे कोई कुछ ना कुछ डाइट करता रहता है आप किसी को देखते हो जो जिसने अपना वेट लूज़ किया है वो आपको बताता है कि उसने तो कीटो डाइट से किया है तो आपको लगता है कि अब हम भी कीटो डाइट करेंगे और बहुत ही जल्दी अपना वेट लूज़ कर लेंगे ये सिर्फ मिथ है क्योंकि इन सारी डाइट्स का कुछ अलग ही चीज़ें होती हैं उसमें कि ऑल डाइट्स हैव अ स्पेसिफ़िक पर्पस ठीक है जैसे आप कीटो डाइट लेते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बंद कर देना पड़ती हैं आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना होता है सिर्फ आपको फ़ैट्स लेने होते हैं इसी तरह इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है जिसमें आपको क्या होता है कि आपको ब्रेकफास्ट अपना स्किप करना पड़ता है मील आप उसमें स्किप करते हो फ्रूट डाइट होती है जिसमें आप सिर्फ फ्रूट्स खाते हो ग्रेन्स नहीं खाते तो इस तरह से क्या होता है कि ये डाइट्स ऐसी होती हैं कि आपका Uh, जो आप बैलेंस डाइट जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए आपकी बॉडी को चाहिए वो लैक हो जाते हैं तो फर्स्ट चूज़ अ डाइट दैट यू कैन फॉलो फॉर द रेस्ट ऑफ़ योर लाइफ ऐसी कोई डाइट चूज़ करिए जो आप पूरी लाइफ टाइम उसको आप फॉलो कर सको ईजली ऐसा ना हो कि आपको डिस्ट्रैक्शन आए बीच में ठीक है और सेकंड थिंग है कि फॉलो द वन विच यू इन्जॉय एंड सस्टेन फॉर लाइफ टाइम मीन्स ऐसी डाइट करो जिसमें इन्जॉय आप खाने को इन्जॉय करो ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी आपके सेल्स भूखे रहें ठीक है जब आप भूखे रहते हो तो वो आपके फेस पे भी दिखता है जब आप ऐसी डाइट्स करते हो तो आप उतनी हेल्दी स्किन नहीं पाते आप उतने हेल्दी नहीं दिखते उतना खुश नहीं दिखते तो आप समझ सकते हो जब आप ऐसी डाइट करके वेट लूज़ करते हो तो वो ऐसा वेट लूज़ होता है जैसे आप बीमार होकर अपना वेट लूज़ कर रहे हो मीन्स अपनी बॉडी को परेशान करके अपना वेट लूज़ कर रहे हो तो ऐसी डाइट से हमें दूर रहना है हमें जो पसंद है उसको खाना है एक बैलेंस्ड वे में खाना है ठीक है तो अभी आ जाते हैं हम अपनी मिस्टेक नंबर फोर्थ पे दैट इज स्किप मील्स एंड टेकिंग लेस कैलरीज ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में है कि हर कोई अपनी कैलरीज काउंट कर रहा है कैलरीज पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है अपने मील्स को स्किप किया जा रहा है दैट ट्रू के कैलरीज अगर आप कम लेते हो तो आप अपना वेट लूज कर पाते हो इफेक्टिवली बट मेरा ये कहना है कि आप बैलेंस डाइट लो स्किप अगर आप करते हो मील्स को तो वो आपको क्या करते हैं बीमार करते हैं क्योंकि हमारी जैसी आ, नेचर है उसमें ये है कि आपको थ्री टाइम खाना है साथ ही साथ बीच बीच में कुछ स्नैक्स कुछ मील्स भी लेने छोटे मील्स भी लेने हैं आपको पानी भी पीना है तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हो अपने मील्स को स्किप करते हो जैसे ओमिड में है क्या आप बर्न मील ही लेते हो तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि आपको कहीं ना कहीं हिट करती हैं जिससे ये होता है कि कुछ लोगों को और प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं जैसे जैसे आप इस तरह से डाइट करते हो कुछ लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लगता है कुछ को क्या होता है कि उनको अपने काम में मन नहीं लगता बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो आपको फेस करनी पड़ती हैं तो डोंट स्किप योर मील्स आप ये कर सकते हो कि अपने मील को कम कर दो साथ ही साथ थर्टी टू टाइम्स चूइंग का फॉर्मूला अपना लो जिससे आप अच्छे से च्यू करके खाने खाओगे तो आपको क्या होगा आप इंजॉय भी करोगे और आपको जो न्यूट्रिश मिलने हैं न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो भी मिल जाएंगे आपको तो अपने मील को स्किप ना करें मील को शॉर्ट कर सकते हो कम कर सकते हो जितना मन है उतना खा सकते हो साथ ही साथ छोटे छोटे बाइट लो छोटी प्लेट्स यूज़ करो ये सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बट अगर अपने आप मील को स्किप करते हो पूरी तरह से तो आप अपनी बॉडी को कम बना रहे हो और वेट तो आपका चला जाएगा इस तरह करने से बट होगा ये कि वो वेट जब आप खाना स्टार्ट करोगे तो वो फिर आ जाएगा क्योंकि आप मींस होल लाइफ ऐसा नहीं कर सकते कि आप डाइट पे रहो होल लाइफ आप ये नहीं कर सकते कि आप मील को स्किप करो आप कभी कभी ना कभी तो खाओगे तो आपका वेट फिर आ जाएगा तो आ जाते हैं मिस्टेक नंबर फाइव पे दैट लूजिंग वेट विदाउट एक्सरसाइज फ्रेंड्स मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और डीएम आते हैं कि मैम कुछ ऐसी डाइट बताइए कि हमें कुछ ना करना पड़े हम बस डाइट लें और हमारा वेट लूज़ हो जाए कभी कभी तो ऐसी चीज़ें भी सामने आती है कि मैम खाना नहीं छोड़ सकते एक्सरसाइज नहीं कर सकते कुछ ऐसा ड्रिंक बता दो जिससे कि हमारा वेट लूज़ हो जाए तो ऐसा नहीं होता आ, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका वेट लूज नहीं होता है हाँ आपका वाटर वेट जा सकता है कि अगर आप सॉल्ट बंद कर रहे हो या कुछ तरह की डाइट ले रहे हो तो क्या होगा कि आप अभी जो कैलोरीज ले रहे हो कम ले रहे हो तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं बट जो एक्सेसिव वेट है आपके अंदर जो ऑलरेडी वेट है उसको अगर आप तेज़ी से बर्न करना चाहते हो अपनी बॉडी को टोन अप करना चाहते हो अपनी बॉडी को अच्छा करना चाहते हो फिट बनाना चाहते हो एक फिटनेस बॉडी चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा को एक्सरसाइज करना मस्ट है एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकते हो अपनी पसंद की कर सकते हो बट करना ज़रूरी है विदाउट एक्सरसाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ डाइट करके अपना वेट लूज़ कर लेंगे तो वो नहीं होगा क्योंकि आपकी स्किन से अगर वेट जाएगा आपकी बॉडी से वेट जाएगा तो वो आपकी स्किन को लूज करेगा उसको टाइटन अप करने के लिए भी आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो आप डांस uh, कर सकते हो आप रनिंग कर सकते हो साथ ही साथ वॉकिंग कर सकते हो जैसे मैंने बताया नाइन थाउजेंड स्टेप आप डेली चल सकते हो उसके साथ ही साथ आप योगा कर सकते हो अगर वो भी नहीं करना तो आप कोई गेम uh, ले सकते हो मींस किसी भी फॉर्म में आपको एक्सरसाइज करना है अपनी बॉडी को हिलाना है जिससे आपकी बॉडी जो है वो बिल्डअप कर सके मसल्स को जिससे आपकी बॉडी फिट दिख सके टोन दिख सके और आप असल में पतले लग सको तो एक्सरसाइज के बिना अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है आ जाते हैं मिस्टेक नंबर सिक्स पे दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू लूज़ वेट इफ़ यू हैव अ पी सी ओ इन डायबिटीज़ एक मिथ ये भी है कि जिनको डायबिटीज़ है पी है या फिर कोई और प्रॉब्लम है थायराइड है तो उनका वेट लूज़ नहीं होगा हमेशा एक आपको वीडियोस भी आप देखते होगे तो वहाँ लिखा हुआ आता होगा कि थायराइड है तो वेट लूज़ करना बहुत ही मुश्किल है वेट लॉस अलग थायराइड की डाइट्स बताई जाएंगी पीसीओडी की डाइट्स बताई जाएंगी That's द डिफरेंट थिंग वो मेडिकल मेडिकल थिंग्स है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी डाइट ले सकते हो बट ये कहना कि वेट लूज होगा ही नहीं ये क्या करता है कि आपको demoralize करता है जे जो लोग जिन फैटी हैं और उनको डायबिटीज़ है या फिर पी सी ओ डी है तो वो हिम्मत हार लेते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि उनका वेट लूज़ नहीं होगा और वो बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर देते हैं वो सोचते हैं वो जैसे हैं एज इट इज़ ही ठीक है ठीक है गिव अप कर देते हैं तो गिवअप नहीं करना है क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया ओ तो रूट uh, कॉज है और सारी बीमारियों का तो अगर आप अपने आप को स्लिम करोगे अपने वेट लूज़ करोगे तो ये सारी बीमारियाँ चली जाएंगी ऐसा नहीं है कि इन बीमारियों की वजह से आपका वेट लूज़ नहीं हो सकता आपका वेट अगर लूज़ होगा तो ये बीमारियाँ ज़रूर चली जाएंगी ठीक है तो अभी बात आती है वॉट इज़ द बेस्ट वे टू लूज़ वेट मैंने जैसे आपको मिस्टेक्स बताई हैं उसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बैलेंस्ड मील लेते हो मीन्स अपना आपका अगर थ्री मील्स हैं और उसे आप बैलेंस लेते हो पूरे न्यूट्रिशंस लेते हो और उसके साथ ही साथ हेल्दी चीज़ें खाते हो होल ग्रेन्स खाते हो फ्रूट्स खाते हो और मीन्स uh, सारी अच्छी चीज़ें खाते हो तो आपका वेट स्लोली स्लोली आराम से uh, आपका वेट जाने लगेगा आपको ध्यान ये देना है कि हमें फिट रहना है हेल्दी रहना है हेल्दी चीज़ें खानी हैं और हेल्दी लाइफ जीनी है तो फ्रेंड्स जब आप कंसंट्रेट करते हो कि आपको एक फ़िट लाइफ चाहिए एक हेल्दी लाइफ चाहिए एक हेल्दी बॉडी चाहिए जब आप इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हो तो आपका बॉडी वेट जो होता है वो धीरे धीरे खुद ही डिक्रीज हो जाता है मींस खुद ही लूज हो जाता है क्योंकि आप अच्छा खाते हो हेल्दी खाते हो ग्रीन वेजीज खाते हो ग्रेन्स खाते हो फ्रूट्स खाते हो प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी ख़त्म कर देते हो शुगर अवॉइड कर देते हो तो आपका वेट बहुत ही हेल्दी वे में खुद ब खुद लूज होने लगता है उसके लिए किसी डाइट की ज़रूरत स्पेसिफिक डाइट की जरूरत नहीं होती ना ही स्पेसिफिक किसी ड्रिंक की ज़रूरत होती है ये सारे क्या होते हैं कि आपके सपोर्ट्स सपोर्ट सिस्टम में आ सकते हैं कि अगर आप कोई ड्रिंक ले रहे हो तो वो बहुत ही अच्छा है बट आप सिर्फ उस वेट लॉस ड्रिंक को लेने से पतले हो जाओगे ये सोचना गलत है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो स्टे हेल्दी स्टे फिट और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय टेक केयर